मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर चालू करा है। यहाँ कितने लोग मोबाइल के साथ आए, जरा मोबाइल ऊपर करिए, सब लोग करें मोबाइल ऊपर, निकालिए जरा, सब लोग निकालिए। मैं एक नंबर दो बार बोलूंगा, 10 अंक का नंबर है, सबने डायल करना है। मैं बोलता हूं, आप बोलिए, और जनसंपर्क में भी जहां जहां जा रहे हैं वहीं से वो नंबर डायल कराना है। मैं नंबर जोर से बोलता हूं, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2, डायल कर दीजिए। हो गया? मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 10 अंक का नंबर है, दो बार 8 8 6 6 2 आएगा, दोनों बार दबाना है, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2, दबा दिया सबने, तो आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गया है। भैया, आप सीएए के साथ हो, वो पहुंच चुका है। इस नंबर के लिए भी कल से अफवाहें फैलाई जा रही है, इस नंबर के लिए भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि नंबर नेटफ्लिक्स कोई चैनल है, उसी का नंबर था। मित्रों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये नंबर कभी भी नेटफ्लिक्स चैनल का नहीं था, ये शुद्ध रूप से सीए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का नंबर है, नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का नंबर है। आप गुमराह मत आइए। भाइयों बहनों, मैं आज आपके अध्यक्ष के नाते आप सभी से कुछ मांगने आया हूं। मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप दोगे या नहीं दोगे, बताओ जरा। पहले जोर से बोलो, दोगे या नहीं दोगे? मित्रों, आज दिल्ली के सभी कार्यकर्ता है, उनका मैं आह्वान करना चाहता हूं कि चुनाव सभाओं से नहीं लड़ना है, ये सुभाव रैलियों से नहीं लड़ना है, ये चुनाव बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर से नहीं लड़ना है। ये जरूर लगेंगे, मोदी जी भी सभा करेंगे, नड्डा जी भी करेंगे, राजनाथ जी, नितिन जी भी करेंगे, मगर मैं आपके अध्यक्ष के नाते हर एक मोहल्ले में जाकर ग्रुप मीटिंग करने की शुरुआत करूंगा, हर एक घर को संपर्क करने की शुरुआत करूंगा। आप बताओ, आप लोग भी हर घर में जाकर नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाओगे? जरा जोर से बोलो, पहुंचाओगे? केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करोगे? राहुल बाबा की देश विरोधी नीतियों को उजागर करोगे? जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए किया है वो बताओगे? केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है उसको बताओगे? 20 साल से सरकार नहीं बनी है हमारी, 20 साल से। मैं आज आपको आह्वान करने आया हूं कि इस बार इतनी प्रचंड शक्ति का अनुभव कराइए कि 20 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फैल जाए, झंडा फैल जाए। मेरे साथ सभी लोग अपना हाथ उठाएंगे, हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाइए, और देश की रक्षा का संकल्प करकर मुट्ठी बीचे मुट्ठी, और प्रचंड आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी,
अब मैं अंत में पार्टी के महामंत्री रविंदर जी से निवेदन कर रहा हूं, सभी कार्यकर्ताओं का और सभी का धन्यवाद देने के लिए। रविंदर जी, आप सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में। बहनों, मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीन ले लेंगे। अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने का काम करता है, क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला कर रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है, ये भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है, लगातार मीडिया में आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए और बरसों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निधि राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण
देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा उस प्रकार से, मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे, आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी। आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं। साथियों, यहां दिल्ली में ही मजनू का टीला में दो हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक शरणार्थी के कैंप में एक बिटिया का जन्म हुआ और उसके मां बाप ने उस बेटिया का नाम नागरिकता रख लिया, नागरिकता। मैं जरा ये हुड़दंग मचाने वालों से और उनके पीछे रिमोट कंट्रोल से राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं, अगर इस नागरिकता नाम की बेटी का जीवन आसान होता है, अगर उसके मां बाप की जिंदगी आसान होती है, अगर भारत के किसी भी नागरिक की समस्याओं का समाधान होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है। देश में दशकों से रह रहे लाखों गरीबों, सताए हुए शोषित दलित परिवार जो उत्प्रेरणा के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, मुसीबत के मारे आए हैं, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं, मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको उनसे दुश्मनी क्या है।